हाय, कैसे हैं? पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या केवल दवाइयों से भगंदर ठीक हो सकता है, उसका मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज कि एनल स्टेनोसिस क्या होता है। एनल स्टेनोसिस मतलब मल द्वार का सकरा हो जाना। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले ऑपरेशन कराया हुआ है, किसी भी चीज़ का कराया हो चाहे, लेकिन उनको अब इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें उनको लगता है कि उनका मलद्वार सकरा हो गया है। अब उनका पेट साफ पहले जैसे नहीं होता है, अब उनको थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है या पेट साफ करने वक्त की कोई दवा लेनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन तब होती है जब मोशन का रास्ता थोड़ा सा सकरा हो जाता है, पहले के मुकाबले उसमें जगह कम होती है। ऐसी स्थिति को हम एनल स्टेनोसिस कहते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, जैसे पाइल्स का ऑपरेशन है या फिशर का ऑपरेशन भी करते हैं या फिशुला का ऑपरेशन भी करते हैं, यहाँ मैं क्षार सूत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। आयुर्वेद में जो क्षार सूत्र है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो एक अलग चीज़ है, ये सब समस्याएँ उसमें नहीं आती हैं। दूसरे जो ऑपरेशन होते हैं उनमें कंडीशन हो सकती है कि कभी आपको एनल स्टेनोसिस भी ऑपरेशन के बाद फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी उसमें स्फिंक्टर डैमेज हो जाता है। स्फिंक्टर डैमेज क्या होता है? स्फिंक्टर मतलब हमारा मोशन का रास्ता जिन मांसपेशियों से मिल के बना होता है, वो गोल मांसपेशियाँ होती हैं, कुछ इस तरह की ऐसी गोल मांसपेशियाँ होती हैं, यही मांसपेशियाँ हैं समझ लीजिए आप, और वो सर्कुलर होती हैं, है ना। तो उनको स्फिंक्टर्स बोलते हैं। वो दो होती हैं, एक बाहर होती है और एक उसके अंदर, ऐसे दो रोल होते हैं, एक रोल फिर उसके अंदर दूसरा रोल, मतलब कागज़ का आप एक ऐसा रोल बनाइए, उसके ऊपर एक दूसरा कागज़ का रोल बनाइए, उस तरह का स्ट्रक्चर एनल स्फिंक्टर का होता है। तो जब किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है, पाइल्स का, फिशर का या फिशुला का, आयुर्वेद में नहीं दूसरे में, तो उसमें कभी कभी ये मांसपेशियां जो हैं ये कट जाती हैं या काटनी पड़ती हैं। कुछ बीमारियां इस स्टेज पे पहुंच जाती हैं कि उनमें थोड़ा सा स्फिंक्टर डैमेज होता है, तो वो स्फिंक्टर डैमेज जो है उसको रिपेयर भी किया जाता है, तो उसमें कुछ स्टिच वगैरह आते हैं। तो उस रिपेयर के बाद जब फाइब्रोसिस होता है, घाव भरता है, मसल आपस में जुड़ती हैं, तो जहाँ पे वो फिक्स होती है ना, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है कि वहाँ पे इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जैसे नॉर्मल पूरा मसल है वो नॉर्मल है, ये हमारा मेरा हाथ जो है बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन यहाँ अगर मेरा कट जाए, इसको पूरा यहाँ इतना गहरा कट जाए इतना, तो इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब इसको रिपेयर करेंगे तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, बजाय अगल बगल के, ये तो नर्म है, ये भी नर्म है, लेकिन यहाँ पे जहाँ टांके डले हुए होते हैं तो ये जगह थोड़ी सी सख्त हो जाती है। तो इसमें ये जो सॉफ्टनेस है ना, ये लूज़ हो जाती है, और इस तरह का जो फंक्शन है फिर, ये अंगूठे को, उंगलियों को दबाना छोड़ना, ये वाला फंक्शन जो है, इस फंक्शन में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे सख्त हो जाने का। इसी तरह की कंडीशन जो है वो एनल स्फिंक्टर्स में भी बनती है। जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, वहाँ भी वो सख्त हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो रिजिड हो जाती है। रिजिड का मतलब समझते हैं, सख्त हो जाती है, फिक्स हो जाती है, उनमें ये फंक्शन नहीं होता है, फिर वो ऐसे पकड़ लेती है। तो अब क्या होता है कि जब मोशन आपको निकालना है तो इसको रिलैक्स होना है इस तरह से, लेकिन ये फंक्शन तो ख़त्म हो गया है उस जगह का, तो वो क्या है, वो ऐसे फिक्स रहता है, तो बाकी जगह से तो खुल जाता है लेकिन ये जगह फंस के रह जाती है, जिससे उतनी जगह आपको नहीं मिल पाती मोशन करने के लिए जितनी आपको चाहिए है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनल स्टेनोसिस, फिक्स हो जाता है ना, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर बन जाता है वहाँ पे, तो स्टेनोसिस हो जाता है, वो जगह सख्त हो जाती है, तो फिर मोशन निकलने में प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं एनल स्टेनोसिस। ये कैसे ठीक हो सकता है, ये एक बड़ा टॉपिक है, उसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन ये जो कंडीशन है इस तरह से होती है। तो जो दूसरे ऑपरेशन क्षार सूत्र में या आयुर्वेद में तो इस तरह की कंडीशन नहीं बनती है, लेकिन हाँ, जो दूसरे तरह के जो मॉडर्न सर्जरीज़ हैं उनमें इस तरह की कंडीशन होने की संभावना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको होता है, कुछ लोग बहुत बढ़िया भी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती। जिसमें स्फिंक्टर डैमेज नहीं होता है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बाय फॉल्ट ऐसा हो जाता है, या कभी कभी बीमारी कुछ इस तरह की होती है कि उसमें स्फिंक्टर डैमेज भी होता है, फिर स्फिंक्टर रिपेयर भी होता है, उसमें इस तरह की कंडीशन बन सकती है। उसके बाद फिर उसका भी एक अलग ट्रीटमेंट करने का तरीका है, फिर वो स्टार्ट होता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन फ़िलहाल एनल स्टेनोसिस तो इसी को कहते हैं। मोशन का रास्ता जो है वो सकरा हो जाता है, जिससे मोशन पास नहीं हो पाता, हमको ताकत लगानी पड़ती है, और फिर इसके कारण कभी कभी फिशर हमको रिकरेंटली होता रहता है, तो ये कहलाता है एनल स्टेनोसिस। जब भी आप किसी सर्जरी के लिए
जा रहे हों या कोई सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हों, तो हमेशा अपने डॉक्टर से, सर्जन से इस चीज़ के बारे में कंसल्ट कर लीजिएगा कि क्या इस तरह की सर्जरी में एनल स्टेनोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं क्या, तो वो आपको उस समय क्लियर कर देंगे। आप इस चीज़ से क्लियर करें, क्योंकि बाद में अगर इस तरह की दिक्कत होती है तो कई बार पेशेंट डिसअपॉइंट होते हैं और फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि आपने हमको ये पहले क्यों नहीं बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, हो सकता है कि आप ऑपरेशन ही नहीं कराते। इस तरह की कंडीशन बाद में बनती हैं जब पेशेंट थोड़ा सा परेशान हो जाता है, तो अगर ये बात पहले ही क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने डॉक्टर से, सर्जन से पहले पूछ लीजिए कि सर इसमें एनल स्टेनोसिस के कितने चांस हैं, इसमें एनल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बस उनसे आप पूछ लेंगे, वो आपको क्लियर कर देंगे, उसके बाद आप बिल्कुल सर्जरी कराइए और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्षार सूत्र में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षार सूत्र में आप आंख बंद करके काम करा सकते हैं, क्षार सूत्र में इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। ये दूसरी सर्जरीज में आती है, क्षार सूत्र में इस तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इसीलिए क्षार सूत्र को हम बेस्ट कहते हैं, क्योंकि जिसमें जितना कम नुकसान हो और जितना सक्सेस रेट ज़्यादा हो वो थेरेपी ज़्यादा बढ़िया है, और क्षार सूत्र वो सब कुछ देती है, कम से कम कॉम्प्लिकेशन, कम से कम रिस्क और हाई से हाई रिज़ल्ट, अच्छे रिज़ल्ट, सक्सेसफुल, है ना। तो बस इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, अगर आप और सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप इसमें क्षार सूत्र कराएं, तो क्षार सूत्र के लिए भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि अगल बगल कोई आपको बताने वाला ऐसा खास नहीं है, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर शो हो रहे हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल सकते हैं और मैं आपको क्लियर चीज़ें बता दूंगा। हमारे पास तो कितने सर्जरी होती हैं क्षार सूत्र की, किसी में इस तरह का कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं आता। क्षार सूत्र सबसे सेफ़ है, आप बिल्कुल करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।